हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। जो कि आज हम बात करेंगे ओप्पो FP3S 5G के बारे में। ओके, आज को हमारा टॉपिक डिस्प्ले रैम, मेमोरी इन्फॉर्मेशन एंड रिसेंट टास्क। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फोन में डिस्प्ले में आपके फोन में आपको रिसेंट टास्क में आपको रैम शो नहीं हो रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे गाइस आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो करता है, तो नीचे आप आइएगा एडिशनल सेटिंग्स वाला ऑप्शन पे। देखिए नीचे आपको देखिए रिसेंट टास्क मैनेजर वाला ऑप्शन मिलता है डेवलप ऑप्शन पे जस्ट नीचे, तो आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको देखिए डिस्प्ले रैम, मेमोरी इन्फॉर्मेशन एंड रिसेंट टास्क वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे अभी हम रिसेंट करके देखते हैं तो हमारे फोन में अभी देखिए रैम शो नहीं होते हैं। जैसे इसे हम ऑन कर देते तो यहाँ से देखिए हमारे फोन में रैम शो हो जाती है। तो यहाँ से देखिए आप बहुत ईजी तरीके से आप देखिए डिस्प्ले में रिसेंट टास्क में आप रैम वगैरह ईजी तरीके से शो करा पाते। तो फ्रेंड्स, ये था आज को हमारा टॉपिक। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।